तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी अगर फोटो आ उसको एड़ा टेढ़ा कैसे भी करना चाहते हैं या उसको बैठाना चाहते हैं। ये खड़ा स्टैंडिंग में है और इसको आप बैठाना चाहते हैं तो इसको स्टूल पे बैठा भी सकते हैं यार। वो कैसे करना है, उसके लिए कौन सा टूल यूज होता है, वो सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो सिंपली हमने क्या किया है, आपको पहले भी मेरा अगर वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि कोई भी आप अगर फोटो लेते हैं उसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाना जरूरी है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए आपको कंट्रोल जे शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल जे करेंगे डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। आपको डुप्लीकेट लेयर पे ही काम करना है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बाद ये फोटो है, इसके बाद हमें क्या करना है, मैजिक टूल से यहाँ पर इसको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फोटो के साथ में भी मैचिंग ले रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, जब जितना सिलेक्शन हुआ उतना हमें कंट्रोल एक्स कर देना है, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर देना है, जितना सिलेक्शन हुआ उतना कंट्रोल एक्स कर देना है। शॉर्टकट की है कीबोर्ड का कंट्रोल एक्स, ठीक है। यहाँ पर बैकग्राउंड इरेजर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कलर टी शर्ट का और ये बैकग्राउंड का मैचिंग में इस वजह से ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर और भी टूल्स हैं, ठीक है, हमारे पास टूल्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन में करता हूँ, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, ठीक है, यहाँ पर जितना मैं जाता हूँ ये पूरा जाता है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पर लासो टूल या अलग, यहाँ पर हम पेन टूल की ही सहायता ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर मैग्नेटिक टूल इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस का बटन प्रेस करना है आपको, ठीक है। और यहाँ से हमें देखो मैग्नेटिक क्या है, अपने हिसाब से जहां पर कलरिंग है उसका, उस लाइन पे अपने आप चलता रहेगा, यहाँ पर देख सकती है। फिर यहाँ पर लाके क्या कर देना है, आपको मिक्स कर देना है, फिर उसके बाद कंट्रोल एक्स कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पर कट गया है, अभी यहाँ पर हम जूम करेंगे तो यहाँ पर अभी भी कुछ शेष बचा है, ठीक है। तो इसको हम मैग्नेटिंग कर सकते हैं, बट ये क्या है, प्रॉपर लेता है तो एक बार देख लेते हैं मैग्नेटिक, ठीक है। चलो ये मैग्नेटिक से काम हो गया है, कंट्रोल एक्स, यहाँ पर ये बैकग्राउंड हट गया है, ठीक है। अब मैग्नेटिक जो एक्स्ट्रा अलग कलर रहता है ना, उसको बाउंड्री पकड़ देता है मैग्नेटिक टूल, ठीक है, उस हिसाब से ये काम करता है। ये हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो चुका है, ठीक है, बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसको इसके साथ कुछ थोड़ा सा छोटा मोटा मजाक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास पपेट रैप होता है, पपेट रैप करेंगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंटर रखना है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंटर रखना है, एक पॉइंटर चलो यहाँ पर रख दिया और एक पॉइंटर यहाँ पर, ठीक है। अभी इससे भी हम यहाँ पर तो डाउन अप करने के लिए, यहाँ पर बैठाने के लिए, ठीक है, फिर हमें यहाँ पर एक पॉइंटर सेट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि तो यहाँ पर हमें पॉइंटर इसलिए सेट करना है, यहाँ पर हमारा हिलना नहीं चाहिए, तो पॉइंटर रहेगा तो यहाँ पर हिलेगा नहीं, ठीक है। अभी ये यहाँ पर पॉइंटर हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ से हमें क्या करना है, अगर लेना है तो यहाँ पर खींचना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पर बट यहाँ पर ऐसा करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऐसा करेंगे ना तो ये लंबा चौड़ा आड़ा टेढ़ा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें क्या करना है,
पॉइंटर कहाँ पे सिलेक्ट करना है वो चीज देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पपेट ट्रैप दिख रहा है, इसके सेंटर में सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसका जहां पर सेंटर है उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसको डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर बैठा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, मैं ये टूल्स के बारे में सिखा रहा हूँ। कैसे इसको यहाँ पर बैठा सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर ये बैठ चुका है। यहाँ से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा अप्लाई करते हैं इसको। अप्लाई में बैठ गया, ये थोड़ा हमारा जो ये पॉइंटर है ना, इसको हमें यहाँ पर भी एक पॉइंटर रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जूम हो जाएगा। अभी हमें इसको क्या कर लेना है, अनहाइड कर लेना है। और यहाँ पर भी ये बैठा हुआ आ गया, ये थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, प्रॉपर भी दिखेगा। आप उस यहाँ पर आपको पॉइंटर सिलेक्ट करना है, ठीक है। हर हिसाब से उसी हिसाब से पॉइंटर, यहाँ पर भी पॉइंटर सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर आपको ड्रैग करना है और ये पॉइंटर अगर नहीं रहेगा तो वो हटेगा, हिलेगा इधर उधर। ये इसका काम यहाँ पर यही है। देखो इसको सीधा करने के लिए इसको थोड़ा ऐसा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से एडजस्ट। ठीक है, यहाँ पर इसको भी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं एडजस्ट, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पर आप ड्रैग करके रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इसमें हमने टूल्स के बारे में बताया। ये टूल्स से आप आड़ा टेढ़ा अगर फोटो है उसको आप सीधा कर सकते हैं, सीधा को आड़ा टेढ़ा बना सकते हैं। मैं बस इसमें बताने के लिए, टूल्स का इस्तेमाल समझाने के लिए मैंने ये बनाया है, ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और इसको किया कैसे जाता है, किस टूल की सहायता से किया जाता है। वो टूल हमने दिखा दिया आपको। यहाँ पर एडिट में जाना, एडिट में जाने के बाद पपेट ट्रैप होता है, वहां से आप कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।